कि आप जैनियों को अलग क्यों करना चाहते हैं हिंदू से? भैरव सिंह शेखावत ने पूछा। बहुत बड़े बड़े लोग आए हम राजस्थान में थे। मैंने कहा मैं अलग नहीं होना चाह रहा हूँ। अलग होने का मूल कारण है हम धार्मिक, हम बहुत छोटी संख्या में शुद्ध आचरण करने वाले, और आपके यहाँ एक लॉ लिखा हुआ है कि जिसमें मंदिर की पूजा, गुरु की सेवा भक्त अपने आधार पर करेगा, उसको अपने भगवान को शराब चढ़ा के मनाना है तो शराब भी चढ़ाएगा, सिगरेट चढ़ा के मनाना है तो सिगरेट भी चढ़ाएगा, बलि दे के चढ़ाना है तो अपने देवता को जिस ढंग से खुश करना चाहे वो कर सकता है। यानी पुजारी के आधार पर मंदिर के अनुष्ठान होंगे, और माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यक में, मंदिर के अनुसार पुजारी को पूजा करना पड़ेगी। यानी इस मंदिर का लॉ क्या है, जितने अल्पसंख्यक हैं उनके मंदिरों में आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, वहाँ सिर ढकना है तो ढकना ही पड़ेगा। लेकिन जो सामान्य लॉ है उसमें ऐसा नहीं है, वो जिस ढंग से जाना चाहे वो जाएगा। तो हम कि आप लॉ बदल दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बोले लॉ तो नहीं बदला जाएगा, तो मैंने कहा मुझे बदल दीजिए। बहुत बड़ा फिर उस समय ये बहुत बड़ी, इसलिए कोष्टक में अल्पसंख्यक में लिखा है, जो कोर्ट का निर्णय हुआ, धार्मिक आधार पर जैनियों को अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है। कोष्टक में धार्मिक शब्द लिखे गए, तो वो धर्म को बचाने के लिए सारी व्यवस्थाएं करने की बात थी। फिर उस समय कोर्ट में पेश करने के लिए एक किताब लिखवाई थी डॉक्टर रमेश चंद्र, जैन धर्म की मौलिक विशेषताएं, जैन धर्म क्या है, दुनिया के दर्शनों से अलग क्यों है, ये क्या क्या विशेषताएं हैं। उन्होंने बहुत सारी विशेषताएं लिखी थी।